star tonight. You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side. हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? तो मैं पूजा कुमारी वापस आ गई अपने फिंगर स्टैंड में और आप लोग का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। और अभी शाम का टाइम है और मुझे बहुत तेज भूख लगा है और मैं बाहर जा नहीं सकती क्योंकि बाहर का कुछ खाना नहीं है, कोरोना है, लॉकडाउन है, आप लोग भी अवॉइड कीजिए। तो मुझे भूख लगी और मैं सोच रही हूँ आज मैं बनाऊँ मैक्रोनी पास्ता। तो अलग अलग बनाते हैं, आप मेरा तरीका देख लीजिए। चलिए आइए। तो पहले मैंने पानी को गर्म होने रखा है और मैं इसमें मैक्रोनी डाल के इसको बॉईल करूँगी। मेरे पास चॉपिंग बोर्ड मैंने नहीं रखा, मैंने बोला था ना कि जितना कम सामान रखो उतना ज्यादा, मैं इस चकले पे ही काटती हूँ। तो ये है शिमला मिर्च, शिमला मिर्च मैं काट लूंगी। गाजर भी डला था बट गाजर नहीं है मेरे पास, तो मैं शिमला मिर्च से ही काम चला रहा हूँ। आपको किसको किसको मैक्रोनी बहुत पसंद है? मुझे बहुत पसंद है। हल्का सा इसमें आप तेल डाल दें ताकि वो चिपके नहीं। थोड़ा सा नमक, इसको बॉईल होने दे। तो मैं शिमला मिर्च कट कर लूंगी, मैं अपनी सब्जी को कट कर लूंगी। मेरे हाथ का ना मेरे घर पे बहुत पसंद है सबको मैक्रोनी पास्ता, बहुत ज्यादा सब बहुत पसंद करते हैं मेरे हाथ को। जब मैं घर जाती हूँ तो मैं सबके लिए बनाती हूँ। मेरा शिमला मिर्च कट हो गया, मैं कट करूंगी बंदा गोभी। आप लोग ये मत सोचिए कि मैं प्रॉपर कुक हूँ, बस मुझे लगा कि आप लोगों को दिखाना चाहिए कि मैं अपना वाला मैक्रोनी पास्ता कैसे बनाती हूँ। शेफ लोग कितने अच्छे से चॉपिंग करते हैं ना, वाओ, मेरे को तो वैसे करने भी नहीं आएगा। अब मैं तो सबसे खराब चॉप करती हूँ। ये देखिए मैंने चॉपिंग कर लिया, देखिए कितना अच्छा चॉपिंग है। ये टमाटर, शिमला मिर्च, कैबेज, बंदा, ओनियन और दो हरा मिर्च और दो चार लहसुन। अब मैं मैक्रोनी बना रही हूँ अभी बहुत दिन बाद। ये अभी बॉईल हो रहा है अभी तक बॉईल ही नहीं हुआ है। ये सोया सॉस डार्क वाला नहीं है, यहाँ पे कोई ब्रांड मिलता ही नहीं है, जहां मैं रहती हूँ वहां कुछ नहीं मिलता है। ये देखिए न्यू लाउस, कैसे कैसे किसान मिल गया वो भी ढूंढने के बाद। ये मैंने मैक्रोनी को बॉईल कर दिया और एक कढ़ाई में तेल गरम की हूँ और उसमें मैं थोड़ा सा हल्का सा जीरा डालूंगी, एकदम जरा सा। इसके बाद मैं डालूंगी हरी मिर्च और लहसुन। पक गया यार। और फिर मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, नहीं नहीं टमाटर डाल देती हूँ।
प्रॉपर कुक नहीं हो, बस मैं दिखा रही हूँ, मुझे मन करता है तो फिर बना सकता हूँ। थोड़ा सा मैं नमक डाल दूँ, देखते हैं कैसा बनता है। प्याज को मैं फ्राई कर दूँ, बंदा भी डाल देती हूँ, शिमला मिर्च भी डाल देती हूँ। मुझे ना मोमोज बहुत पसंद है, मैं मोमोज भी बनाती हूँ, आपको तो मेरी गाँव में बनाती हूँ। मुझे मोमोज बहुत पसंद आया, मुझे बहुत दिल से मोमोज नहीं खाए, फिर मैं यार ऐसे यहाँ मोमोज नहीं लेता। इसको मैं 2-3 मिनट तक भूंगी हूँ, इसमें डाल दूंगी सोया सॉस। एक ढक्कन मैंने डाला, 2 ढक्कन। मैं इसमें डाल दूंगी टमाटो केचप, थोड़ा सा डाल दूंगी ग्रीन चिली सॉस, पकाना है थोड़ा सा सॉस पक जाए, इसमें हम डाल देंगे माइक्रोनी। 2 मिनट डाल दूंगा माइक्रोनी हो जाएगा, फिर मैं अपना पेट पूजा करूंगी क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लगा है। मैं इसमें डाल रही हूँ माइक्रोनी, डाल देती हूँ। थोड़ा देर पकाना है, मैं इसमें थोड़ा सा मैगी, ये पूरा नहीं है, मैं थोड़ा सा मैगी मसाला है मैं इसमें ऐड करूंगी, थोड़ा सा मैगी मसाला। बस 2 मिनट में होगा माइक्रोवेव पास्ता रेडी हो जाएगा, फिर मैं खाऊंगी। माय माइक्रोवेव इज डन, चलिए देखते हैं खाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा बना है ना, देखिए देखिए कितना अच्छा बना है, देखिए। एक्चुअली मैं भेजी ज्यादा डालती हूँ, सब्जी ज्यादा डालती हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली सब्जी वाला पसंद है, आप लोग थोड़ा कम डालिए। और ये मैं खाऊंगी, बहुत गर्म है। इसमें बहुत अच्छा बना है, जोर से बोलिए, इसमें बहुत अच्छा बना है, आप लोग भी ऐसे बना के देखिएगा। बहुत टेस्टी है। एक्चुअली देखिए मैं बहुत सारा कैबेज वगैरह डालती हूँ, अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो हल्का हल्का वेजेस डालें और माइक्रोनी डालें, क्योंकि मुझे मुझे पसंद है बहुत ज्यादा, बंदा बहुत ज्यादा पसंद है इसकी। तो अगली बार कुछ और बनाएंगे, तब तक के लिए मैं इसे खाती हूँ और अपना पेट पूजा करती हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय गाइस।